आप बिजली फिटिंग के लिए स्विच परचेस करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं दो कंपनियों के मॉडुलर स्विचेज लेकर आया हूँ, एक है हैवेल्स कंपनी और दूसरी है होस्पर कंपनी। तो इस वीडियो के अंदर इन दोनों कंपनियों के स्विचेज के अंदर आपको क्या डिफरेंस मिलने वाला है वह आपको बताने वाला हूँ। और सबसे मेन बात तो यह है कि यह जो मॉडुलर स्विचेज है लगभग आपको मार्केट के अंदर सेम प्राइस के अंदर मिलने वाले हैं। लेफ्ट साइड में हमारे पास होस्पर कंपनी के स्विचेज हैं और राइट साइड में हमारे पास हैवेल्स कंपनी के स्विच है और हैवेल्स कंपनी का एडिवा मॉडल आता है, तो ये हमारे पास इसका मॉडल है। अब आप सामने देखेंगे ये होस्पर कंपनी की एक 12 मॉडल की सीट है। इसके अंदर आपको काफ़ी स्विच वगैरह लगे हुए देखने को मिलेंगे, जैसे कि नॉर्मल स्विच है, फ्लैट स्विच है, क्रोम वाला स्विच और चौड़े वाला स्विच है, रेगुलेटर लगा हुआ है, एक इसके अंदर 5-पिन सॉकेट है, पावर सॉकेट है विद शटर वाली है और विदाउट शटर वाली। इसके अलावा होस्पर कंपनी में एक आपको गोल वाला स्विच भी देखने को मिल जाएगा और ये है हैवेल्स कंपनी का एडिवा मॉडल, जिसके स्विच आप सामने देख सकते हैं, 12 मॉडल की सीट, इसके अंदर स्विच है, सॉकेट है और रेगुलेटर हमने लगाए हुए हैं। तो इसका जो लुक है आपको इस तरह का देखने को मिलने वाला है। दोनों कंपनियों के स्विच मैंने आपको दिखा दिए है, अब हम बात कर लेते हैं इनके अंदर मेन मेन आपको डिफरेंस क्या मिलने वाला है। स्विच के मॉडल की हम बात करते हैं तो होस्पर कंपनी वाले के अंदर आप स्विच देखेंगे तो जैसे कि नॉर्मल वाला है, फ्लैट वाला है, क्रोमिंग वाला है जिसको हम सिल्वर क्रोमिंग बोलते हैं, इसके अलावा चौड़े वाला स्विच है, एक यह आप राउंड वाला देख सकते हैं। कौन सा भी स्विच आपको पसंद है आप वही परचेज कर सकते हैं और कौन सा भी स्विच आप किसी भी सीट के अंदर लगा सकते हैं। तो इस कंपनी के अंदर आपको स्विच चॉइस करने का ऑप्शन मिल जाता है और इनका जो प्राइस है लगभग आपको सेम सा मिलने वाला है। अब आप दूसरा हैवेल्स कंपनी का स्विच देखेंगे तो हैवेल्स कंपनी का जो स्विच है आपको इस तरह का देखने को मिलने वाला है और इसके अंदर आपको सिर्फ स्विच का एक ही मॉडल मिलने वाला है। देखेंगे ये एक ही मॉडल मिलेगा और इस सीट के अंदर आप यही मॉडल लगा सकते हैं और कोई दूसरा मॉडल इस सीट के अंदर नहीं लगा सकते। अब हम बात कर लेते हैं सॉकेट के बारे में, तो सामने आप देखेंगे तो ये होस्पर कंपनी के दो सॉकेट है, आपको 6 एम्पीयर के अंदर दो ऑप्शन मिल जाते हैं, 5-पिन की सॉकेट भी और 3-पिन की सॉकेट भी, और इनके अंदर आपको लॉक सिस्टम भी देखने को मिलने वाला है। देखेंगे 5-पिन के अंदर यहाँ पर आपको लॉक सिस्टम बहुत ही हैवी क्वालिटी का मिलने वाला है ताकि सीट के अंदर से ये बाहर ना निकले। और देखेंगे ये दूसरी है, ये 3-पिन की सॉकेट है, इसके अंदर बैक साइड में आपको यहाँ पर चीनी मिट्टी मिलने वाली है, कोई भी फॉल्ट आ जाता है, ओवरलोड हो जाता है तो ये सॉकेट आपकी जलेगी नहीं, एकदम सेफ रहेगी। हैवेल्स कंपनी की सॉकेट के अंदर आपको ओनली एक ही ऑप्शन मिलने वाला है, ये ओनली 3-पिन के अंदर आती है, इसके अंदर 5-पिन की कोई भी सॉकेट नहीं आती है। देखेंगे तो इस तरह का लुक आपको देखने को मिलेगा, बैक साइड से देखेंगे तो इस तरह का लुक आपको मिलेगा। होस्पर कंपनी के बैक साइड में चीनी मिट्टी थी परंतु इसके बैक साइड में आपको चीनी मिट्टी देखने को नहीं मिलने वाली, ओनली प्लास्टिक देखने को मिलने वाला है। तो इस मामले में हम बात करते हैं होस्पर कंपनी वाली ज्यादा बेटर रहती है क्योंकि उसके अंदर चीनी मिट्टी है। अब हम बात करते हैं पावर सॉकेट के बारे में, तो देखेंगे यहाँ पर आपको होस्पर कंपनी के अंदर दो प्रकार की पावर सॉकेट देखने को मिलेगी, एक आती है विद शटर वाली, एक आती है विदाउट शटर वाली, इनके साथ में पावर स्विच लगे हुए हैं। इसके बैक साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसके स्विच और सॉकेट के बैक साइड में चीनी मिट्टी मिलने वाली है और चीनी मिट्टी का सबसे ज्यादा फायदा रहता है कि ओवरलोड हो जाना, फॉल्ट आ जाना तो ये कभी भी जलेंगे नहीं। अब हैवेल्स कंपनी की पावर सॉकेट देखेंगे तो इस तरह की आपको देखने को मिलेगी, ओनली आपको इस तरह की विद शटर वाली मिलने वाली, इसके साथ में एक पावर स्विच लगा हुआ है। बैक साइड देखेंगे तो बैक साइड इस तरह का लुक आपको मिलेगा, इसके बैक साइड में आपको कोई भी चीनी मिट्टी देखने को नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों इस मामले में भी हम बात करते हैं तो होस्पर कंपनी वाला ज्यादा बेटर आपको पावर सॉकेट मिलने वाला और पावर स्विच मिलने वाला है क्योंकि उसके अंदर चीनी मिट्टी है जिसके कारण आपको ज्यादा सेफ्टी मिलती है। विद शटर वाली जो पावर सॉकेट होती है उसके अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि हम चार्जर वगैरह डालते हैं, यानी कि 2-पिन टॉप डालते हैं तो अच्छे से उसके अंदर डलता नहीं है। तो ये होस्पर कंपनी की पावर सॉकेट है, इसके अंदर हम डाल के देख रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से बहुत ही अच्छे से जो चार्जर वगैरह आप डाल सकते हैं। अब ये दूसरी हमारे पास हैवेल्स कंपनी की है तो इसके अंदर डालकर देखते हैं, पावर सॉकेट के अंदर चार्जर बहुत ही आराम से लग रहा है। तो इस मामले के अंदर होस्पर कंपनी वाली पावर सॉकेट और हैवेल्स कंपनी वाली पावर सॉकेट एकदम सेम है। अब हम बात करते हैं रेगुलेटर के बारे में, तो रेगुलेटर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक ही आती है कि जो आगे की जो नॉब होती है वो कुछ समय बाद में टूट जाती है। तो ये होस्पर कंपनी का रेगुलेटर देखेंगे और इसके अंदर आप देखेंगे तो बीच के अंदर आपको नायलॉन मिलने वाला है, ये कभी भी टूटेगा नहीं, यह ओनली आपकी आकृति चेंज कर सकता है। यह आपको 3 पार्ट्स के अंदर मिलने वाला है, अंदर नायलॉन है, उसके ऊपर सिल्वर है, इसके ऊपर आपको व्हाइट कलर की कैप मिलने वाली है। अब दूसरा ये हैवेल्स कंपनी का रेगुलेटर है तो इसके नोब को हम हटाकर देखते हैं तो इसके अंदर आपको कुछ भी नायलॉन वगैरह नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ ओनली सिंगल पार्ट्स के अंदर मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं डीपी स्विच के बारे में, जिसको हम हैवी लोड चलाने के लिए यूज करते हैं, एसी चलाना है, आपको कोई गीजर चलाना है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये होस्पर कंपनी का डीपी स्विच है, बैक साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसके अंदर चीनी मिट्टी मिलने वाली है। ये हमारे पास हैवेल्स कंपनी का डीपी स्विच, तो इसका लुक इस तरह का आपको देखने को मिलने वाला है और यह भी विद इंडिकेटर आता है और बैक साइड देखेंगे तो इस तरह का इसका लुक मिलेगा
और पीछे आपको इसके अंदर चीनी मिट्टी नहीं मिलने वाली है, यहाँ पर आपको प्लास्टिक मिलने वाला है। डीपी स्विच ज्यादा बेटर हम मानेंगे होस्पर कंपनी का, क्योंकि चीनी मिट्टी तो जलेगा नहीं, खराब नहीं होगा और लॉन्ग लाइफ चलेगा, परंतु प्लास्टिक जिसके पीछे है तो उसमें जलने का खतरा तो रहता ही है। अब हम बात करते हैं सीट के कलर के बारे में, तो होस्पर कंपनी के अंदर आपको ग्रे है, इसके अलावा व्हाइट है, इसके अलावा आप देखेंगे ब्लैक वाली मिल जाएगी, आपको रेड चाहिए रेड मिल जाएगी, और व्हाइट वाली विद सिल्वर क्रोमिंग के अंदर मिल जाएगी। तो इस तरह से काफ़ी ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। जहाँ पर आपका वुडन वर्क है तो वहाँ पर आप यह वुडन वाली सीट भी लगा सकते हैं। तो सीट के आपको काफ़ी कलर मिल जाएंगे और रेट के अंदर कोई ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलने वाला है। ये हैवल्स कंपनी की सीट है जो कि आपको ओनली व्हाइट कलर के अंदर इस मॉडल के अंदर मिलने वाली है। यदि आप कोई कलर लेंगे तो उसका रेट काफ़ी एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि दो गुना भी हो सकता है। या फिर आपको कलर दूसरा लेना है तो आपको मॉडल ही चेंज करना पड़ेगा। यदि आप दूसरा मॉडल लेंगे तो उसका रेट तो आपको काफ़ी एक्स्ट्रा मिलने वाला है। होस्पर कंपनी की जो सीट आती है उनके साथ में आपको ब्लैक पैच मिलने वाले हैं। तो आजकल के जो मिस्त्री हैं वह सीट के साथ में ब्लैक पैच ही लगाते हैं, और किसी भी कंपनी की सीट के साथ में ब्लैक पैच नहीं आते हैं। होस्पर कंपनी की जो सीट है वह देखेंगे तो नीचे की साइड में यहाँ पर आपको लोहे की पत्ती मिलने वाली है। इसका फायदा यह रहता है जब भी पैच कसे जाते हैं तो सीट है वह आपकी एकदम सेफ रहेगी, वह कभी भी टूटेगी नहीं। परंतु हैवल्स कंपनी वाली सीट के अंदर लोहे की पत्ती आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों कंपनियों की गारंटी वारंटी के बारे में। होस्पर कंपनी के स्विच वगैरह सॉकेट वगैरह सब की आपको लाइफ टाइम जलने की भी और खराब होने की भी वारंटी गारंटी मिलती है, परंतु हैवल्स कंपनी के अंदर आपको ओनली फ्री होने की गारंटी मिलती है, वह भी 11 साल की। कोई भी आइटम जल जाता तो आपको कोई भी गारंटी वारंटी नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम होते हैं जैसे कि यूएसबी सॉकेट है, फैन रेगुलेटर है, उनकी आपको एक या फिर दो साल की ही वारंटी या गारंटी मिलेगी हैवल्स कंपनी में। परंतु होस्पर कंपनी के अंदर आपको रेगुलेटर की या यूएसबी सॉकेट की जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उनकी 11 साल की गारंटी मिलने वाली है। अब बात आती है कि आपको कौन सी कंपनी के मॉड्यूलर स्विचेज आपको आपकी बिल्डिंग के अंदर किसी भी घर के अंदर लगाने चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो दोनों कंपनियों के मैंने आपको दिखा दिए हैं, दोनों ही जो कंपनी है ब्रांडेड कंपनी है, दोनों का नाम आप सब जानते भी हैं और मार्केट के अंदर दोनों का नाम काफ़ी चर्चा के अंदर भी है। परंतु दोस्तों यदि मैं मेरे हिसाब से बात करता हूँ, यदि मैं मेरे घर के अंदर लगवाऊंगा तो मैं होस्पर कंपनी के स्विचेज लगवाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर मुझे सेफ्टी ज़्यादा देखने को मिली है।